इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपकी जिंदगी को डैम यानी बांध ने काफी आसान बनाया है। डैम इंसानी कम्युनिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये काफी भारी मात्रा में पानी को स्टोर करते हैं। जमा की गई वही पानी को बाद में सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली का उत्पाद। इतने ज्यादा पानी को स्टोर करके रखना काफी मुश्किल काम है, और इसी वजह से डैम को इस तरीके से अधिकतम सावधानी के साथ बनाया जाता है कि उसमें कोई लीकेज ना हो। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। हाल ही में अमेरिका के मिशिगन में बांध के टूटने की वजह से आई बाढ़ में लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। हजारों लोगों ने अपने घरों को खो दिया, और ये तो बस एक एग्जांपल है। इस वीडियो में आप आगे देखने वाले हो बांध के टूटने के 5 खतरनाक घटनाओं को, जो कि कैमरे में कैद हुई। लाओस एक ऐसा देश है जो वैसे तो चारों तरफ से जमीनी एरिया से घिरा हुआ है, लेकिन इस देश में काफी ज्यादा नदियां हैं, और इसी वजह से वहां डैम्स बनाने की जरूरत तो होती ही है। ऐसा ही एक विशाल डैम कंबोडिया के बॉर्डर के पास बनाया जा रहा था, जो इतना बड़ा था कि उसे एशिया की बैटरी कहा जाता था। और अगर वो डैम पूरा बन जाता तो वो 410 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखता। और ये बिजली इतनी ज्यादा थी कि लाओस की सरकार ने इस डैम से जनरेट होने वाली बिजली को पड़ोसी देश थाईलैंड में एक्सपोर्ट करने वाली थी। लेकिन 11 सितंबर साल 2017 को इस डैम का रिजर्वर यानी वो हिस्सा जहां पानी स्टोर होने वाला था और जो उस वक्त बन ही रहा था, वो ढह गया, क्योंकि रिजर्वर के आसपास काफी ज्यादा बारिश हुई थी। लाखों क्यूबिक फीट गंदा पानी पास के 8 गांव में घुस गया, जिससे हुई बर्बादी की छोटी झलक को आप इस वीडियो में देख सकते हो। साल 2020 काफी बुरा रहा है, और अमेरिका के मिडलैंड काउंटी मिशिगन के लोगों के लिए ये साल और भी बुरा रहा। इसी साल मई में 96 साल पुराना डैम कई दिनों से भारी बारिश के बाद टूट गया। विक्सम लेक के ज्यादातर पानी करीब 1980 एकड़ जितना एरिया में बह गया और लोगों की प्रॉपर्टी में घुस गया। इसकी वजह से डाउनटाउन मिडलैंड के कई एरियाज कई फीट पानी के अंदर चले गए। मिशिगन गवर्नमेंट ने वहां इमरजेंसी लगा दी और लोगों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द किसी ऊंचे एरिया की ओर जाए। कैमरे से रिकॉर्ड हुई इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह बांध का पानी अपने रास्ते में आए पेड़ पौधों को माचिस की तीलियों की तरह उखाड़ रहा था। इस घटना की वजह से कम 10,000 लोगों को प्रभावित होना पड़ा, साथ ही 3500 घर भी डैमेज हो गए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई आगे आप लोग भूल जाओगे, इसलिए लाइक जरूर कर देना। ऑरविले डैम, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के सिटी ऑफ ऑरविले में स्थित है, वो कैलिफोर्निया स्टेट वाटर प्रोजेक्ट के लिए काफी जरूरी है। इस डैम को काफी सारे काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बिजली उत्पादन और फ्लड कंट्रोल। साल 2005 में इस डैम के आसपास के लोकल कम्युनिटी यानी आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत दर्ज की कि इस डैम का स्पिलवे काफी असुरक्षित कंडीशन में है। स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डैम से पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। लोकल कम्युनिटीज ने सरकार से डैम के रिपेयर के लिए 100 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 7.5 अरब रुपयों की पैकेज रिक्वेस्ट की, लेकिन उनका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। 7 फरवरी 2017 को इस डैम का मुख्य स्पिलवे टूट गया, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में पानी डैम से निकलने लगा। हालांकि अधिक नुकसान से बचने के लिए डैम पर पानी को छोड़ना बंद कर दिया गया था, लेकिन 11 फरवरी को आखिरकार पानी ने डैम के इमरजेंसी स्पिलवे को तोड़ते हुए तबाही मचाई। सरकार ने तुरंत स्पिलवे को रिकंस्ट्रक्ट करवाना शुरू किया, जिससे वहाँ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर इससे लापरवाही से बचने की सीख जरूर मिली, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। जब किसी लेक में काफी ज्यादा पानी भर जाता है, तब उस लेक के ऑफिशियल्स इंचार्ज कई बार पानी को डिस्चार्ज करते हैं, जो काफी कुछ ऐसा दिखता है।
दिखने में तो ये काफी अच्छा लगता है और साथ ही इसे काफी नियंत्रित रूप से किया जाता है, लेकिन कई बार पानी के ऐसे बहाव हमारे मर्जी के बिना हो जाते हैं और जिसकी वजह से होता है डैम फेलियर। ऐसी ही घटना हुई थी साल 2018 में कोलंबिया के इटुहांगो डैम के साथ। ये डैम कैलिफोर्निया के सबसे विशाल डैम्स में शामिल होता है, जिसकी लंबाई 220 मीटर जितनी है और इसमें 8 टर्बाइंस लगे हैं। वाटर बर्स्ट यानी पानी के बहाव की वजह से डैम के आसपास की जमीन खिसकने लगी और इसी के साथ ही साथ डैम में इंटरनल लैंडस्लाइड भी होने लगा, जिससे डैम के जलाशय में काफी अधिक मात्रा में पानी जमा हो गया और उसी के कारण डैम टूट गया। डैम टूटने के बाद आई बाढ़ में शहर डूब गए, काफी सारे ब्रिजेस ढह गए। इस वीडियो क्लिप में आप एक नजारा डालिए उस भयंकर बाढ़ के प्रकोप पर। अमेरिका में टेक्सास के ग्वादालूपे नदी के पास मौजूद है लेक डनलैप। इस लेक का निर्माण साल 1931 में हुआ था, जब वहां पर बिजली के उत्पादन के लिए डैम बनाया गया था। इसके साथ ही साथ गर्मियों में ये लेक एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। साल 2019 यानी पिछले साल 14 मई को 19 साल पुराने इस डैम का स्पिलवे टूट गया, जिससे लेक का पानी बेकाबू होकर बहने लगा। सिर्फ एक दिन के अंदर ही लगभग पूरा लेक खाली हो गया। इस रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो वो समय जिस वक्त डैम का स्पिलवे कोलैप्स हुआ। ऐसा होने के पीछे का कारण है स्पिलवे में यूज की गई स्टील, जो कि 90 साल पुरानी होकर टूट गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को याद से ऑल पर कर देना। 15 गजब के ऑप्टिकल इल्यूजन्स को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, या फिर नजदीकी भविष्य में आने वाली नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो देखें।